भी कुछ भी जो सरोज खान जी को मुझे देकर उनका याद आ गया, तो उस दिन मुझे बहुत अच्छा लगा था। वो मेरे लिए बहुत ही उस दिन बहुत बड़ा दिन था, क्योंकि उन्होंने ऐसा कमेंट किया था मेरे डांस को देखकर। अच्छा, एक कस्बे से यानी गांव से हम लोग जब सफर करते हैं एक शहर की तरफ, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है, लेकिन कहीं ना कहीं नर्वस में भी महसूस करते हैं हम लोग, और साथ में वो माँ बाप की दुआओं का असर भी होता है। क्वालिफाई भी कर लिया आपने उस शो को, जीत भी लिया, उसके बावजूद अब नेक्स्ट क्या? अभी डांस तो मेरे बचपन से था ही मेरे अंदर, लेकिन एक एक्ट्रेस बनने का भी सपना था, क्योंकि एक एक्ट्रेस मुझे लगता है कि सब कुछ कर सकती है, डांस भी कर सकती है और एक्टिंग भी कर सकती है। तो रियलिटी शो के ज़रिए मुझे महुआ सीरियल मिल गया था, अखियों को झरोखों से, जिसमें मैं छोटी बहन का किरदार कर रही थी। तब तो मैं बहुत छोटी थी, और फिर वो सीरियल वाइंड अप हुआ, फिर मुझे स से सरस्वती मिल गया, मैंने वो किया। फिर उसमें मेरा पैरलर लीड हो गया था, जो मैं सीरियल में कदम रखती हूँ उसमें मेरा पैरलर लीड या फिर लीड हो जाता है। अभी मैंने किया है सावधान इंडिया, जिसमें मैंने लीड किया है। सावधान इंडिया के मैंने 7 एपिसोड किए हैं, तो अभी रुख मेरा हिंदी की ओर है और मैं हिंदी करना चाहती हूँ। तो हिंदी में किस किस डायरेक्टर या किस किस एक्टर के साथ काम करना चाहोगी? क्योंकि कुछ ना कुछ तो दिमाग में चलता है ना कि मुझे इसके साथ करना है। मुझे सुभाष घई जी का फिल्म बहुत अच्छा लगता है, तो मेरा सपना है कि मैं सुभाष घई जी के साथ काम करूं, उनके फिल्मों में काम करूं। तो इसके लिए कितनी तैयारी कर रही हो, कितनी प्रिपरेशन कर रही हो? क्योंकि एक्टिंग के गुरु हैं वो, तो कुछ ना कुछ तो उनके सामने ऐसा प्रेजेंट करना पड़ेगा कि तो वो तुमसे सेलेक्ट करें। हाँ, बस मैं बहुत प्रैक्टिस करती हूँ एक्टिंग की, हमेशा घर पे भी रहती हूँ तो भैया के साथ, और मेरे साथ कोई भी रहता है मेरा दोस्त, तो मैं उसके साथ बोलती हूँ चलो प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी लाइफ में। और मैं उनकी फिल्में भी देखती हूँ काफ़ी तरह, क्योंकि वो अपनी फिल्मों में कैसा करवाना चाहते हैं, कैसी लड़कियों से करवाना चाहते हैं। लेकिन मैंने अब की बार सावधान इंडिया किया था, जो कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। एक लड़की थी, महाराष्ट्र की एक लड़की थी, वो आदिवासी थी, और उसके पापा उसके लिए फाइट करते हैं, और वो किस तरह से उसे लोग यूज़ करते हैं अपने पापा की तरह, पापा के लिए वो अपना सब कुछ देने को तैयार है, क्योंकि अब उसके पापा खुश रहें। तो ये मैंने जब किया, तो वो जो डायरेक्टर थे वहाँ, संतोष जी, उन्होंने कहा कि अंजलि बस नेचुरल एक्टिंग करना, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो मैंने बहुत कोशिश की थी नेचुरल एक्टिंग करने की, फिर मैंने कहा कि पता नहीं कैसा आएगा, मैंने कैसा काम किया, लेकिन जब मैंने देखा वो एपिसोड तो मुझे बहुत अच्छा लगा, खुद को मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके लिए मैं समझती हूँ कि ऐसे डायरेक्टर होते हैं जो हम जैसे एक्ट्रेस के अंदर से एक्टिंग निकलवा लेते हैं, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो सेट पे सब लोग सपोर्ट करते हैं, वो बहुत अच्छा लगा मुझे मुंबई का, क्योंकि सब लोग बहुत सपोर्टेड है। यहाँ पर आके मैंने देखा कि हर लोग आपकी मदद करते हैं, आपको सपोर्ट करने में काफ़ी मेहनत करते हैं। तो जब भी मैं सीरियल करती हूँ या फिर डांस करती हूँ, तो सभी लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ का। जब एक शो के विनर हो जाते हैं तो काम के लिए चूज़ हो जाते हैं,